एवरीवन स्टार्ट विद अ क्लीन मेंटल विंडो। तो हर व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जन्म लेता है। तो आप एक बच्चे को देखो, वो हमेशा खुश और हंसता रहता है, वो दूसरे के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलता है और वो नया चीज़ को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहता है। तो वो जब भी कुछ नया चीज़ को सीखता है, जैसे कि चलना, तो वो कभी कारपेट को ब्लेम नहीं करता है, कभी माँ बाप पे उंगली नहीं उठाता है, फिर कभी ये नहीं कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा पैर कैसा है, मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा अभ्यास करता रहता है, कोशिश करता रहता है। उसको पता है आज नहीं तो कल मैं चल के ही रहूँगा, और वह चल जाता है और सफल होता है। तो उसे लगता है मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो लोग उसके दिमाग में कचरा भरते जाते हैं, तो उसका जो मेंटल विंडो है गंदा होता रहता है। तो उससे वो अपना एंथुजियाज्म खो देता है और वो नेगेटिव लोगों के साथ ही घुल मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सब व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम नेगेटिव बनेंगे। तो कोशिश कीजिए हमेशा एक गुड कंपनी के साथ रहे, ना कि बुरे कंपनी के साथ। और एक छोटे बच्चे जैसा हमेशा कोशिश करती रहिए, आज नहीं तो कल आप भी ज़रूर सफल हो गए। और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए और अफर्मेशन ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको लास्ट प्रिंसिपल में कहा था। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल के तरफ। तीसरा, वॉश योर विंडो। जब मैं 7th में था तो मैं सब मैं बुरे कंपनी के साथ रहता था, फिर मैं गंदा गाली सीख गया, फिर मैं और मैं तब एक यूट्यूबर भी था, तब मैं अपना एक चैनल खोलता था जिसका नाम था SP गेमर। लेकिन मैं तब वो पैसों के लिए वीडियो बनाता था। लेकिन जब मैं 8th में आया तो मैंने एक यूट्यूबर के बारे में पता चला जिसका नाम CKN है। तो मैं उनके वीडियो देख के इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ। फिर इसी इंस्पिरेशन की वजह से मैंने ये चैनल खोला, द विजडमर्स। तो मैं नॉलेज यानी ज्ञान को फैलाना चाहता हूँ, इसी मोटिव से इस चैनल को मैंने खोला था। मुझे CKN ने नहीं, मुझे ग्रेट आइडिया ग्रेट लाइफ ने भी सिखाया। फिर फंडू प्रोग्रामिंग, ये भी एक अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने भी बहुत सारे प्रिंसिपल मेरे को सिखाया। तो इसी प्रिंसिपल से मैंने इस चैनल को खोला। तो मैं 8th में गुड कंपनी के साथ रहता था, अच्छे लोगों के साथ, तभी मैं थोड़ा अच्छा बन पाया, वरना फिर मैं एक वही लड़का बनता जो मैं 7th में था। अपना एटीट्यूड को साफ रखिए, अपना विंडो जो है साफ करिए, तभी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और आप अच्छे कंपनी के साथ रहिए। जैसे मैंने लास्ट प्रिंसिपल में बताया, तो आप अच्छा वीडियो देखिए, फिर आप अच्छा यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल के तरफ। चौथा, यू कैन कंट्रोल योर एटीट्यूड। तो आपका काम है आपके एटीट्यूड को नियंत्रित रखना। और बस मैं तो आपको पानी तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन पानी पीने का काम आपका होना चाहिए। तो वही मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसको अप्लाई करने का काम आपका होना चाहिए। और आप अपने एटीट्यूड को बदल दोगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत कहोगे, रीजन ये तो बहुत आसान है कहना। हाँ, मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लगता था, बहुत सारे महान यूट्यूबर का वीडियो देख के, कि यार ये प्रिंस मुश्किल है। लेकिन मैंने किया, तभी तो मैं एक ऐसा यूट्यूबर और इंसान बन पाया। तो वैसे ही आपको बहुत स्ट्रगल पड़ेगा एटीट्यूड को बदलने के लिए, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये मीडियम है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी, ये मीडियम है। तो चलिए उस व्यक्ति से जानते हैं एटीट्यूड के बारे में, जिसने एक ऐसा गंभीर परिस्थिति फेस की थी जिसकी हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये बात है विक्टर फ्रैंकलिन की। इन्होंने 4 नाजी का कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइव किया, लेकिन उनके माँ बाप बहन सॉरी बहन नहीं ब्रदर भाई और वाइफ मर गए कैंप में, और गैस चैम्बर में भी कोई। लेकिन विक्टर और उनके कुछ प्रिजनर अपना एटीट्यूड को बदलने का ठान लिए और वो सर्वाइव करके उस कैंप से निकल गए। तो अगर वो भी सोचते कि यार मैं तो मर जाऊंगा, अरे मेरे को तो ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तो गया, तो शायद वो नहीं बच पाते। लेकिन वो अपने ज़िंदगी में मतलब निकाले, तभी वो बच पाए।
और उन्होंने मिलियन लोगों को इंस्पायर किया उनकी ये कहानी सुना के, उनकी एक बुक अ मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग। बहुत लोग आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं, आपकी नींद, आपका खाना, आपका जीने का तरीका, सब कुछ, लेकिन आपका कोई एटीट्यूड और आपका मेहनत या एक्सेट्रा कोई नहीं छीन सकता। तो आपके पास ताकत है एटीट्यूड को बदलने का। आई नो वेरी, मेरे लिए मतलब कहना आसान है लेकिन आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल नंबर 2 में एक बच्चे के बारे में कि बच्चा कैसे हमेशा कोशिश करता था वो चलना अच्छे से सीख जाता है, वैसे ही आप भी कीजिए। आज नहीं तो कल आप अपने एटीट्यूड को बदलेंगे। और ह्यूग डाउन्स ने कहा था कि जो खुश व्यक्ति है उसकी परिस्थिति की वजह से खुश नहीं है, वो उसके एटीट्यूड की वजह से खुश है, उसके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से वो खुश है। वैसे ही हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है हम कैसे आदमी बनेंगे। आपने अपने एटीट्यूड को बदल दिया, ठीक है, फिर आप अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, अरे आप एक पॉजिटिव आदमी बन गए, ठीक है। लेकिन आप एक जगह में बैठ के ये सोचोगे कि मैं तो अब सफल आदमी बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ग्रेट एटीट्यूड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सक्सेस के प्रिंसिपल्स के बिना पूरी नहीं होती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप मेहनत, परिश्रम, कोशिश और सक्सेस प्रिंसिपल और एटीट्यूड को इस्तेमाल कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बनोगे। हाँ, एटीट्यूड ही हर चीज़ है, बिना एटीट्यूड के ये प्रिंसिपल कभी एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो तो आप एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड और इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर बनोगे। और मैं आगे आने वाले वीडियो में सक्सेसफुल प्रिंसिपल ज़रूर लाऊंगा आपके लिए, ताकि आप एक सफल आदमी बन सको और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और ये प्रिंसिपल सक्सेस का मिलेगा तो आप एक अनबिलीवेबल और अनस्टॉपेबल इंसान बन जाओगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो ये बुक समरी आपको मैंने जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग से बताई है। आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, बहुत ही पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड।